कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रदेश की जयराम सरकार पर तंज कसा है। शिमला में आयोजित सरकार की रैली पर टिप्पणी करते हुए प्रेम कौशल ने कहा कि जबरदस्ती की भीड़ शिमला में जुटाई गई थी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के शिमला आने से प्रदेश को कोई लाभ नहीं हुआ है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने शिमला में आयोजित सरकार की रैली पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यहां पर जबरदस्ती की भीड़ सरकार द्वारा जुटाई गई थी। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान की भी निंदा की है, जिसमें उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना गृह मंत्री अमित शाह के साथ की है। कौशल ने कहा कि चापलूसी की भी कोई सीमा होती है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ये ध्यान में रखना चाहिए। नागरिकता संशोधन एक्ट पर राहुल गांधी को अमित शाह की तरफ से दी गई चुनौती पर उन्होंने कहा कि ये बेहद ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर एक जश्न का आयोजन किया था। 2 साल पूर्ण करने के लिए जयराम जी को बधाई इसलिए कि जिस तरीके के विरोधाभास हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर हैं और हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के बीच में हैं, जितने टकराव हैं, उनमें उम्मीद नहीं थी कि जयराम ठाकुर जो है वो 2 साल का शासनकाल पूरा करेंगे, लेकिन जैसे तैसे 2 वर्ष उन्होंने पूरे किए, इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और अगर सरकार की उपलब्धियों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में इन 2 वर्षों के अंदर किसी भी मोर्चे पर सरकार जो है वो अपना दमखम दिखाने में कामयाब नहीं हुई, चाहे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बात है, बलात्कार की घटनाओं में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, नशे का कारोबार जो है वो ग्रामीण स्तर तक उसका विस्तार हो चुका है, सड़कों की हालत खस्ता है, कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही, और मात्र एक राजनीतिक एजेंडा लेके जो है वो हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल के अंदर चल रहे हैं। बेरोजगारी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों को कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर मोर्चे के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 2 वर्षों के अंदर पूर्णतः असफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।